तो कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात। नाम तनु शर्मा है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि आपके मतलब के हैं। वो हरिद्वार का नाम हरिद्वार क्यों रखा गया? क्योंकि वो हरि का द्वार था, भगवान विष्णु का द्वार था। और नीलकंठ का नीलकंठ नाम क्यों रखा गया? जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान शिव ने विष पी लिया था, तो इसलिए भगवान शिव की कंठ नीली हो गई। इसलिए लंका क्यों जलाई थी, इसके भी ऊपर बहुत जने विचार करते हैं। इसलिए जलाई थी क्योंकि पार्वती जी ने उन्हें श्राप दिया था रावण को। एक बार की बात है, जब पार्वती जी सरस्वती माँ के घर गई, उन्होंने देखा कि इनका इतना सुंदर महल था। भगवान महादेव से कहा और उन्होंने उस बात पर विचार किया। उन्होंने विश्वकर्मा से कहा था कि एक सुंदर सा महल बनाए सोने का। उन्होंने फिर जगह ढूंढनी शुरू कर दी और उसमें समुद्र के बीचों बीच सुंदर जगह में बना दिया। और फिर उसका उद्घाटन करने के लिए रावण और भी सभी प्राणियों को बुलाया। पर इसलिए रावण ने उद्घाटन किया क्योंकि वह ब्राह्मण था, ब्राह्मण महाज्ञानी पंडित था। और उसने उद्घाटन करके भगवान ने पूछा, आपकी रावण से पूछा कि आपकी दक्षिणा क्या हुई। उसने कहा, भगवान आप मैं आपसे जो मांगूंगा वो आप दोगे? उसने कहा हाँ। महादेव ने कहा मैं दूंगा। उसने कहा कि मुझे आपकी ये सोने की लंका चाहिए। उन्होंने कहा कि महादेव से कहा रावण ने, जो दक्षिणा मैं मांगूंगा वो आपको देनी होगी। उन्होंने कहा ठीक है। उन्हें रावण ने उनसे मांगी कि प्रभु मुझे आपकी ये सोने की लंका चाहिए। पार्वती ने कहा था कि नहीं, ये असंभव है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो यही चाहिए। फिर पार्वती ने उसे श्राप दिया था कि जा रावण, मैं तुझे श्राप देती हूँ, महादेव का ही एक दिन महादेव का ही तुझे अंश बर्बाद करेगा। एक दिन अंश महादेव का ही अंश इस लंका को जलाकर भस्म करेगा। और फिर उनके बाद कहकर रावण उचित हो गया। एक दिन की बात है, पार्वती जी ने महादेव से पूछा कि भगवान महादेव ये अमर कथा क्या होती है? उन्होंने कहा था कि जो कोई अमर कथा को सुनेगा वो अमर हो जाता है। उन्होंने कहा प्रभु मुझे तो ये कहानी सुनाओ। उन्होंने कहा नहीं, क्या मैं ये नहीं सुना सकता तुम्हें। उन्होंने कहा कि सुनाओ मुझे तो। उन्होंने कहा हद मत करो। था कि ठीक है चलो सुनाओ। उन्होंने फिर पार्वती जी से कहा था कि इसमें निद्रा आपकी परीक्षा लेंगी, पर आप निद्रा मत करना। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। तो ये फिर कहानी सुनाने लगे। उन्होंने पहली ताली, निद्रा देवी आपकी परीक्षा लेंगी, इसलिए आपका ध्यान भंग होगा, आप अपना ध्यान कहानी में लगाना। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। उन्होंने पहली ताली बजाई इसलिए कि जितने भी पक्षी होंगे सब भाग जाएंगे, और दूसरी ताली इसलिए बजाई कि कोई भी होगा वो भी चला जाएगा। फिर उन्होंने कहा चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने के बाद फिर एक अंडा रह गया था, अंडे में से एक बच्चा निकला। बच्चा निकलने के बाद उसने कहानी सुन ली। पार्वती जी को निद्रा आ गई। आने के बाद फिर उन्होंने, जो पक्षी था वो अंडे में से निकला हुआ, वो कह रहा था ओ स्वामी ओ स्वामी। उन्होंने फिर कहा था कि पार्वती जी ही बोल रही होंगी। जब कहानी पूरी हो चुकी थी तो फिर महादेव जी ने अपना, कहानी पूरी होने के बाद उनसे पूछा कि आपको नींद आ गई? फिर उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, के आप फिर ये ओ स्वामी कौन कर रहा था? उन्होंने कहा मैं नहीं कर रही थी। तो उन्होंने ऊपर मुड़ के ऊपर सिर करके देखा तो एक पक्षी बैठा हुआ था। और उन्हें क्रोध आ गया। फिर उसको मारने की सोची। फिर वो सभी में घूमा पर उसकी रक्षा किसी ने नहीं की, और वो एक ब्राह्मण के घर में चला गया। तो ब्राह्मण से कहा कि मेरा एक शत्रु आपके घर में छिपा हुआ है। उन्होंने कहा भगवान, मेरा आपका शत्रु मेरे घर में कैसे आ सकता है? तो कहा कि मेरी कहानी सुन के आया है वो अमर कथा। उन्होंने कहा पंडित ने महादेव से कि अमर कथा सुन के आया तो फिर वो तो अमर हो गया, आप ही सोचो तो फिर आपको कैसे मर सकता है आपके हाथों? पक्षी तो अमर हो गया, पर आप उसको मार देंगे कैसे भी, पर वो अमर कथा का क्या उत्तर होगा? फिर उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हो कि ये पक्षी को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये संसार में अहंकार नहीं
मचाए, इससे इसको समझा देना। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।